समिलकुम इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हम पढ़ चुके हैं रेम की दो अकसाम स्टेटिक रेम एंड डायनामिक रेम आज हम पढ़ेंगे रोम रीड ओनली मेमोरी जिसमें सिर्फ डेटा रीड किया जा सकता है डेटा उससे ना डिलीट किया जा सकता है ना डेटा उससे उसमें मॉडिफाई किया जा सकते हैं तो इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली में ये नॉन वोलेटाइल है लाइट चली जाती है तो डेटा इसमें हमेशा परमानेंटली स्टोर होता है द इंफॉर्मेश स्टोर एंड इट इज़ नॉट लॉस इवन इफ द पावर सप्लाई गोल्स ऑफ इट इज़ यूज फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ इनफॉर्मेशन इट आर सो पोजेज इज रेंडम एक्सेस प्रॉपर्टी हाँ कोई सीक्वेंशल एक्सेस नहीं है जहाँ पर डेटा पड़ा होता है उसी से रेंडमली एक्सेस किया जा सकते सीक्वेंस में नहीं कि मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन्फॉर्मेशन कैन नाट बी रिटर्न इन टू रेम बाई द यूज़र जो हम यूज़र प्रोग्रामर हैं हम नहीं लिख सकते उसमें इन अदर वर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ रोम आर डिसाइडेड बाई द मैनुफेक्चर जो भी रोम को बनाता है तो वही उसकी प्रोग्रामिंग करते ये मुख्तलिफ़ के रोम है एप रोम रोम और ये मख्तलिफ़ के रोम है टाइप्स ऑफ रोम सो दियर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इरेजबल रीड ओनली मेमोरी इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेजल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो ये मख्तल किस्म की अकसाम है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो पहली किस्म जो है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसके जो कंटेंट्स होते हैं एक दफ़ा जब लिख के जाते हैं तो दोबारा वो रिवर्स नहीं हो सकते वो दोबारा मतलब उससे मेमोरी को रोम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिस तरह एक चीज़ जब जलाई जाती है तो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होती इट इस टाइप ऑफ रोम विच कैन बी प्रोग्राम वंस एक दफ़ा मतलब ये नहीं है कि इसको मैं जो डेटा है उसको इरेज करो दोबारा लिखो नो no, एक दफ़ा एंड देन कैन नेवर बी चेंज प्रोमिस मैनुफेक्चर ब्लैक एक दफ़ा ब्लैंक बनाई जाती है फिर उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है जस्ट वंस बाई ब्लोविंग इट्स फ्यूज जो इसके फ्यूज होते हैं ना उसको जलाया जाता है दिस प्रोसेस इज़ इवर्सेबल जहिर है जो चीज़ जलाई जाती है फ्यूज जलाए जाते हैं तो वो इिवर्सेबल है उसको दोबारा रीन्यू नहीं की जा सकती वंस ए बिट पोजिशन इज ब्रोन जो फॉर एग्जाम्पल एक बिट को जीरो रिप्रेजेंट करना है वो जला जल गया तो उसको दोबारा हम वन नहीं बना सकते इट कैन नेवर बी अनब्लोन द डेटा इस फेडन टू यूजिंग अ प्रोम प्रोग्राम उसके बाद है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अब ये जो है इसकी नस्बत बेहतर है क्योंकि इसके जो कंटेंट्स हैं उसको इरेज किए जा सकते हम दोबारा उसको इस्तेमाल किए जा सकते हैं ए प्रोम इज़ एन इरेजेबल प्रोम ये in, ये इरेजेबल नहीं था रिवर्सबल नहीं था ये रिवर्सबल है ये इिवर्सेबल था द स्टोर डेटा इन प्रोम कैन बी इरेज बाई एक्सपोजिंग इन टू और किस तरह अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन के सामने जो कंटेंट्स है उसको रखा जाता है और उसको ट्वेंटी मिनट्स में वो इरेज़ हो जाते वेन इट इज़ एक्सपोज टू अल्ट्रा वायल्ट द इंटायर डेटा इज इरेज ट्वेंटी मिनट्स ज़्यादा मिनट्स लेते हैं अब ये जो है ये बहुत कम टाइम में सारा डेटा इरेज हो जाता है इलेक्ट्रिकली ए प्रोम जो है डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजल प्रोग्रामेबल इज़ अ चिप डेट कैन बी इरेज इन रि प्रोग्राम ऑन द बोर्ड इट कैन बी इरेज विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड बहुत कम सेकेंड्स में डेटा इरेज किया जा सकते दियर इज़ अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द ई प्रोम कैन बी प्रोग्राम यूजली अराउंड थाउजेंड टाइम्स थाउजेंड टाइम्स इरेज करो और इस्तेमाल करो मतलब एक दफ़ा दो दफ़ा इस्तेमाल करो इरेज करो तो बेस्ट जो अरोम है ना वो आपके पास है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल यूरोनी मेमोरी और मिली सेकेंडस में सारा डाटा क्या हो जाता है इरेज हो जाते हैं और टेन थाउजेंड टाइम्स ये मेमोरी इस्तेमाल की जा सकती फ्लैश ड्राइव इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ई फ्राम जो यूएसबी है ना उस वो क्या है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एर इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है